एवरीवन, वेलकम टू डीजीएस स्कूल ऑफ जेसीआरटी झारखंड। माय नेम इज मोहम्मद इजाजुल हक। टुडे वी विल रीड अ टेक्स्ट फ्रॉम इंग्लिश टेक्स्ट बुक सनशाइन फॉर क्लास 3। द नेम ऑफ द टॉपिक इज वीर बुद्धू भगत। डू यू नो द पीपल ऑफ झारखंड हैड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। क्या आपको मालूम है कि झारखंड के लोगों ने भारत की आज़ादी में एक अहम भूमिका निभाई थी? हु आर द फेमस फ्रीडम फाइटर्स ऑफ झारखंड? आप जानते हैं कि झारखंड के प्रसिद्ध फ्रीडम फाइटर्स, स्वतंत्रता सेनानी कौन हैं? बताएं, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, नीलांबर पीताम्बर, वीर बुद्धू भगत, राम नारायण सिंह, शेख भिखारी, कान्हा मुर्मू, है ना ये सब फ्रीडम फाइटर्स। आज उनमें से एक फ्रीडम फाइटर के बारे में पढ़ेंगे, वीर बुद्धू भगत। ऑन 17 फरवरी 1792 ए चाइल्ड वॉज बॉर्न इन ए पुअर फैमिली एट सिलीगांव विलेज ऑफ झारखंड। झारखंड के सिलीगांव गांव में एक गरीब परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ 17 फरवरी 1792 में। 1792 में सिलीगांव में एक बच्चा पैदा हुआ। हिज नेम वॉज बुद्धू भगत। उसका नाम बुद्धू भगत था। हिज फादर वॉज ए फार्मर। उसके पिता एक किसान थे। एज अ चाइल्ड बुद्धू वॉज वेरी लेजी। एक बच्चे के रूप में बुद्धू बहुत सुस्त था, बहुत ही काहिल था। ही यूज टू लेज अराउंड व्हाइल हिज कैटल ग्रेज्ड। वो चारों ओर घूमा करता था जबकि उसके मवेशी चरते थे। He enjoyed being in nature and played in the hills and forests. वो प्रकृतियों के बीच का मजा के बीच में रहकर मजा लिया करता था। And played खेलता था in the hills पहाड़ियों में और जंगलों में। उन्हें प्रकृति के बीच में जाके, कुदरत के मंजर के बीच में जाके उसको वो मजा लिया करता था। He used to take bath in the Koyal River. वो कोयल नदी में नहाया करता था। तो बुद्धू भगत की ये बचपन की जिंदगी की बात की जा रही है। बुद्धू's favorite pastime was archery and hunting. बुद्धू का पसंदीदा वक्त गुजारी आर्चरी और तीरंदाजी और शिकार था। ही वॉज ए गुड हॉर्स राइडर टू। वो एक बेहतरीन घोड़सवार भी था। व्हेन ही ग्रू अप ही वॉज अगेंस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनजस्टिस। जब वो बड़ा हुआ वो हर प्रकार के अन्याय से के खिलाफ था। He was against British rule and the zamindars. वो ब्रिटिश हुकूमत के और जमींदार के खिलाफ था। People say that one day while taking bath, he felt a strange power within. लोग कहते हैं कि एक दिन जबकि वो स्नान कर रहा था, he felt उसने महसूस किया एक अजूबा शक्ति अपने आप में। Realizing that he shot an arrow on a hillock, इसको महसूस करते हुए उसने एक तीर एक पहाड़ी पर चलाया। A stream started to flow from the spot. एक नहर
शुरू हो गया बहना फ्रॉम द स्पॉट उस जगह से. इट इज बिलीव्ड दैट द स्ट्रीम फ्लोज इवन टूडे. ऐसा यकीन किया जाता है कि नहर आज भी बह रहा है. इट इज नोन एज वीर पानी. ये वीर पानी के नाम से जाना जाता है. ही वॉज वेरी ब्राइट स्किलफुल एंड अ गुड लीडर. वो बहुत ही तेज कुशल और एक अच्छा नेता था. ड्यू टू दीज क्वालिटीज द विलेजर्स रिस्पेक्टेड हिम अलॉट. इन गुणों के कारण गांव वाले उसकी बहुत इज्जत किया करते थे. बुद्ध भगत लेड द कोल रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश लोकल जमींदार्स एंड मनी लेंडर्स. बुद्ध भगत ने कोल रिवोल्ट कोल विद्रोह का नेतृत्व किया. ब्रिटिश लोकल जमींदार और साहूकारों के खिलाफ. बुद्ध भगत ने ब्रिटिश लोकल जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ कोल रिवोल्ट का नेतृत्व किया. उसका मोर्चा संभाला. ही फॉट ब्रेवरी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. उसने बहुत ही बहादुरी के साथ ब्रिटिशर्स का मुकाबला किया. द ब्रिटिशर्स फॉट विथ गन्स एंड पिस्टल्स बट बुद्ध भगत लेड हिज मेन एंड फॉट विथ एक्सेस एंड एरोज ओनली. ब्रिटिशर्स ने लड़ाई लड़ी बंदूकों और पिस्तौलों से, लेकिन बुद्ध भगत ने अपने लोगों को का नेतृत्व किया और लड़ाई लड़ी कुल्हाड़ी और तीर से. ब्रिटिशर्स चूंकि बहुत ही डेवलप्ड थे उस वक्त में, वो गन्स एंड पिस्टल्स का इस्तेमाल किया करते थे लड़ाई में, लेकिन बुद्ध भगत ने कुल्हाड़ियों से और तीर कमान से ही इसका उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी. द ब्रिटिशर्स सराउंडेड हिम एंड हिज मेन. ब्रिटिशर्स ने घेर लिया उनको और उनके साथियों को, उनके आदमियों को. बुद्ध भगत डिड नॉट वॉन्ट टू बी किल्ड बाई हिज एनिमीज. बुद्ध भगत नहीं चाहते थे कि अपने दुश्मनों के द्वारा मारे जाएं. सो ही सैक्रिफाइड हिज लाइफ बाई बिहेडिंग हिमसेल्फ ऑन 14 February 1832. इसलिए उन्होंने कुर्बान किया अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को, अपने सर को कलम करते हुए अपने आप, अपने से अपने सर को कलम कर लिया ऑन 14 February 1832. 1832 में 14 February 1832 में उन्होंने अपने सर को कलम कर दिया, खुद ही काट लिया. इस प्रकार हमने देखा कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे वीर बुद्ध भगत, उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाई और जमींदारों और जो लोकल जो साहूकार थे, मनी लेंडर्स थे, जो लोगों का खून चूसते थे उस वक्त में, और तो उन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई. अब वी विल सी द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, कौन कौन से इसमें जो हार्ड वर्ड्स हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उनको इसकी मीनिंग को देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे. वर्ड्स एंड मीनिंग्स. इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण. रोल भूमिका. इंडिपेंडेंस आज़ादी. फ्रीडम आज़ादी स्वतंत्रता. दोनों की मीनिंग एक ही है. फाइटर्स सेनानी या लड़ने वाले. फ्रीडम फाइटर्स आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले. बॉर्न पैदा हुए. लेजी सुस्त. ग्रेस चरना. नेचर प्रकृति. हिल पहाड़ी. फेवरेट पसंदीदा. अब इसको समझने के लिए इन वर्ड्स को आपको अपना वोकैब बनाना है इसको, तो इसको सेंटेंस में लिख याद कर रखिए. इंपॉर्टेंट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत महत्वपूर्ण है.
रोल भूमिका द पीपल ऑफ झारखंड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इंडिपेंडेंस इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 फ्रीडम इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947 फाइटर्स दे आर द फ्रीडम फाइटर्स या बिरसा मुंडा वॉज अ फ्रीडम फाइटर बॉर्न ही बॉर्न इन 1782 Lazy. He is a lazy boy. Don't be so lazy. Graze. The cow grazes in the field. Nature. Prakriti. We love the nature. हम लोग प्रकृति को पसंद करते हैं. Hill. There is a hill near my village. मेरे गांव के करीब एक पहाड़ी है. Favorite. Cricket is my favorite. प्ले इस प्रकार आप और भी वर्ड्स हैं उसके आप मीनिंग्स को सेंटेंस में आप इस्तेमाल कीजिए तब वो आपका वोकैब बन जाएगा पास टाइम समय बिताने का मशगला आर्चरी तीरंदाजी हंटिंग शिकार हॉर्स राइडर घुड़सवार ऑल सॉर्ट्स ऑफ सभी प्रकार के इनजस्टिस नाइंसाफी स्ट्रेंज अजूबा अनोखा पावर शक्ति ताकत हिलॉक छोटी पहाड़ी स्ट्रीम नहर या झरना स्पॉट जगह फिर इसको आप सेंटेंस खुद से बनाया इसका सेंटेंस इस प्रकार ये वर्ड्स जो है ना आपको जब तक सेंटेंस आप नहीं बोलेंगे आपको वो वर्ड्स याद नहीं आएंगे तो बिलीव यकीन करना ब्राइट चमकीला होता है लेकिन यहाँ जो टेक्स्ट कंटेक्स्ट में ये तेज का है स्किलफुल कुशल लीडर नेता क्वालिटीज गुणों मनी लेंडर्स साहूकारों ब्रेवली बहादुरी से गन्स एंड पिस्टल्स बंदूकों और पिस्तौलों गन कहते हैं बंदूक को पिस्टल कहते हैं पिस्तौल को एरोज तीरों एक्सेस कुल्हाड़ियों सैक्रीफाइड कुर्बानी दिया बीहेड सर कलम करना सर काट लेना इससे बीहेडिंग आता शब्द आया है बीहेडिंग का एनिमीज दुश्मनों तो इस प्रकार नाउ दीज आर द वर्ड्स इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट वर्ड्स आपको इन वर्ड्स को पूरा याद कर लेना है और उसको सेंटेंस में उसको इस्तेमाल कीजिए खूब आप जब सेंटेंस में इसको प्रयोग करना सीख लेंगे तो वो आपका वर्ड आपका अपना वर्ड हो जाएगा और आप किसी भी टेक्स्ट को आसानी से समझ पाएंगे धन्यवाद